बात करेंगे कंप्यूटर के ऐसे शॉर्टकट के बारे में जो हमें टेकी कहलाने में मदद करेंगे। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि कोई अगर अपने शॉर्टकट की कीबोर्ड के शॉर्टकट की को यूज़ करके अगर कोई प्रोग्राम करता है, अगर किसी चीज़ को, अगर किसी प्रोग्राम को हैंडल करता है, तो हमें एक अट्रैक्शन मिलता है। हम उसे देखकर चौंक जाते हैं कि इस बंदे ने एक काम कैसा किया। और ऐसे ही दोस्तों एक काम है, एक ऑपरेशन है जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं और हमें करने का मन करता है पर हम कर नहीं पाते। हम जब एक बंदे को देखते हैं कि उसने ये काम किया है तो हम चौंक जाते हैं। तो दोस्तों वो काम ये है कि जब हम अपने विंडोज़ में, जब हम अपने कंप्यूटर में एक टैब से दूसरे टैब में जाना चाहते हैं तो अक्सर हम माउस के यूज़ से एक को मिनिमाइज़ करते हैं और दूसरे को मैक्सिमाइज़ करते हैं। पर जब ये काम वही बंदा अपने कीबोर्ड की मदद से कर पाता है तो हम देख के चौंक जाते हैं कि इस बंदे ने कैसा किया। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने दो या दो से ज़्यादा टैब खुले हुए हैं अगर, तो उनके बीच में स्वैप कैसे कर सकते हैं, आप एक टैब से दूसरे टैब के में कैसे जा सकते हैं बिना माउस छुए, उसके लिए शॉर्टकट की है और मैं आपको उसे लाइव डेमो करके दिखाऊंगा। दोस्तों तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि मैंने अभी अपने और यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी को खोले रखा है। तो दोस्तों अभी मेरे पास तीन टैब बोल सकता हूँ, मेरे पास तीन विंडो या तीन टैब खुले हुए हैं दोस्तों। अब मुझे जब भी एक टैब से दूसरे टैब में जाना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ भी कॉपी करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, उसके बाद मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है वर्ड में जाके, तो मुझे अब मैं अभी कीबोर्ड पे हाथ रखा हुआ, अब मुझे अपने माउस पे हाथ ले जाना पड़ेगा, अब उसे यहाँ पे ले जाके वर्ड में करना पड़ेगा, अब मुझे अपने फाइल में जाना है तो मुझे अपने फाइल में जाना पड़ेगा यानी लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा। ये कितना मतलब एक हेजिटेटिंग टास्क है। और यानी तो बोल सकते दोस्तों अगर हम किसी एक आदमी को देखें जो बिना माउस के यूज़ को अगर इस काम को कर पाता है तो हमारे लिए ये देखना बहुत ही आश्चर्यजनक होता है। मतलब हम उस पर कम्प्लीटली अट्रैक्ट हो जाते हैं दोस्तों अगर वही हम सेम काम कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं हम भी वही काम कर रहे हैं, पर क्या होता है जब वो बिना माउस को यूज़ किए अपने कीबोर्ड के कुछ शॉर्टकट की को दबा के ये करता है तो हम सोचने लगते हैं इसने क्या दबाया, क्या करके ये किया। तो दोस्तों आज हम बताते हैं कि कैसे ये कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए मेरा अभी क्योंकि गूगल टैब खुला हुआ है, अब मुझे अपने वर्ड डॉट को या अपने लाइब्रेरी को खोलना है तो सिंपली आप बिना माउस के यूज़ किए आपको अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट प्लस टैब को दबाना है। पहले ऑल्ट दबाइए उसके बाद टैब को दबाइए। तो दोस्तों देखिए इसमें आपका खुल गया, तो आपको अगर वर्ड में जाना है ये वर्ड हो गया, फिर आपको दबाना है। अगर आपको जाना है अपने लाइब्रेरी में तो दोस्तों ये देखिए लाइब्रेरी खुल गया। अगर आपको वापस अपने क्रोम में जाना है तो ऑल्ट प्लस टैब दबाइए और जहाँ पे देखिए दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये हाईलाइटेड है, मीन्स ये अभी वर्ड पे है, तो जिस पे हाईलाइटेड होगा वो विंडो आपका खुलेगा। अभी ये क्रोम खुल गया, अभी आपका डेस्कटॉप खुल गया, अभी आपका जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्ड है वो उसका मेनू खुल जा रहा है, ये लाइब्रेरी खुल जा रहा है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल गया, ये क्रोम खुल गया। कीबोर्ड का यूज़ करते थे क्या, कीबोर्ड का मैंने शॉर्टकट की यूज़ किया ऑल्ट और फिर टैब दबाना है तो जिस टैब पे हाईलाइट होगा वो टैब खुल जाएगा। तो मैंने बिना माउस के अगर मैं इसे जल्दी करता हूँ, क्योंकि आप शुरू में करेंगे तो आपको थोड़ा हेजिटेटिंग लगेगा हट मैं तो माउस से ही कर लूँगा ज़्यादा आसान पड़ेगा, पर अगर आप किसके सामने करते हैं तो एक इंप्रेशन बनाता है दोस्तों और हमें इंप्रेशन ही तो चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये देख सकते हैं फिर से मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। अभी हाईलाइट है वर्ड पे तो मेरा अभी वर्ड आया, अभी क्रोम पे हाईलाइट है तो क्रोम आया, अभी लाइब्रेरी पे हाईलाइट है लाइब्रेरी आया, अभी डेस्कटॉप पे हाईलाइट है तो डेस्कटॉप आया दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने आसानी से हम बिना माउस का यूज़ किए कीबोर्ड के शॉर्टकट की से अपने टैब को शिफ्ट कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है, वो बस देखते हैं दूसरे लोगों को कि वो कैसे किए तो वो चौंक जाते हैं। तो दोस्तों चौंकने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ऑल दबाना है और टैब दबाना है, उसके बाद आप अपने डिफरेंट टैब्स जो ओपन है उसे स्वैप कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आखिर में एक बात कर ली कि अब से मेरे चैनल का नाम जो पहले सादिक अख्तर के नाम से चलता था अब उसका नाम चेंज हो चुका है ओवर स्मार्ट, इसलिए दोस्तों डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही सादिक अख्तर बात कर रहा है आपसे लेकिन चैनल का नाम अब ओवर स्मार्ट हो गया क्योंकि स्मार्ट तो सभी बनते हैं, आओ आप ओवर स्मार्ट बने। तो दोस्तों आगे मैं बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाऊंगा जो टेक से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड और बहुत सारे फैक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।